हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए व्हाइल लूप का एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले मैं कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूं और यहां पर हम देखेंगे व्हाइल लूप का एग्जांपल। फाइल पे जाता हूं और एम्प्टी फाइल यहां से चूज कर लेता हूं और यहां पर हमें अपनी कोडिंग लिखनी है। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल जो कि #include_stdio.h है उसे लिख लेता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं बनाता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं int main। तो यहां हमने मेन फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसमें मैं मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज करूंगा, ठीक है। इस लूप में मैं दो नहीं दो से ज्यादा वेरिएबल्स को यूज करूंगा और कैसे ये काम करेंगे आप देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहां लिखा मैंने int, ठीक है, और int लिखने के बाद हम क्या करें, जिसमें इनिशियलाइज कर रहा हूं 1। तो ये सारे वेरिएबल्स हमने बना लिए और इसका इनिशियलाइजेशन भी हमने कर लिया है। व्हाइल लूप लगाएंगे, यहां पे लगाया हमने व्हाइल लूप, ठीक है। और व्हाइल लूप लगाने के बाद अब इसमें हमें सबसे पहला वेरिएबल है हमारा इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, ये लिखा हमने। इसके बाद देंगे और, ठीक है, और अब फिर कहेंगे j इज लेस देन और इक्वल टू 3 कर देते हैं यहां पे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर हमें एंड लिखना है, ठीक है, एंड एंड लगाया हमने, ठीक है, k, ठीक है, एक और वेरिएबल लिया हमने k, ठीक है। तो यहां लॉजिकल एंड लगाया हमने, यहां पे देख सकते हैं आप, ये लॉजिकल एंड है, ठीक है। एंड k इज लेस देन और इक्वल टू 1 कर दिया हमने, ठीक है। और एक और वेरिएबल और लगाएंगे, तो वेरिएबल तो हम बना ही चुके हैं, और लगाया हमने l इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, 3 कर देते हैं यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 3। ये जो वेरिएबल्स हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये यही चीजें प्रिंट करेंगे। अब कैसे प्रिंट करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर इसके बाद मैं लूप की बॉडी बनाता हूं कर्ली ब्रैकेट से और यहां पर लिखता हूं प्रिंट एफ डी दूसरी बार तीसरे वाले वेरिएबल के लिए तीसरी बार और चौथा वाले वेरिएबल के लिए चौथी बार। तो यहाँ चार बार हमने दे दिया परसेंट डी, चूंकि इंटीजर है इसलिए परसेंट डी दे रहे हैं। यहां पर लगाया बैक स्लैश एन ताकि लाइन चेंज होती रहे, और बैक स्लैश एन देने के बाद हम करेंगे कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद जिन जिन वेरिएबल्स को लिया उनके नाम आई कॉमा जे कॉमा के कॉमा एल। तो इन चारों वेरिएबल्स के नाम हमने दे दिए, और यहां पर क्या करेंगे हम आई प्लस प्लस यानी इसका इंक्रीमेंट कराने वाला जो प्रोसेस है वो यहां पे लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है जे प्लस प्लस, ओके, फिर क्या है के प्लस प्लस, फिर क्या है एल प्लस प्लस। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया, और एट लास्ट क्या करेंगे हम, एट लास्ट में हम कर्ली ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, ओके। तो यहां पर कर्ली ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, ओके, और यहां लिखते हैं हम रिटर्न 0, ठीक है, कर देंगे, और यहां से करेंगे हम इसको सेव, ठीक है, mu.c इसी नाम से सेव करता हूं इसको। और अब इसको हम सबसे पहले कंपाइल करवाते हैं, डर आ रहा है, यहां पर सेमी कॉलन छूट गया, बस इसको सेव करते हैं और इसको रन करवाते हैं। अब दोबारा से कंपाइल करवाया हमने तो ये कंपाइल हो जाएगा, सक्सेस कंपाइल हो गया। अब इसको रन करवाते हैं यहां से, तो ये देख सकते हैं ये चारों जो है चार चार लाइन प्रिंट होकर आ रहा है इसमें। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।